Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minoti Srivastava. Hope you all are fine and safe and using your time and good things. So student, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है फॉर्मुलेशन एंड टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। हमने इस वीडियो से पहले जाना है कि क्या होती है रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च क्वेश्चन, कैसे हम एक रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। जब हमारे पास एक रिसर्च की समस्या आ जाती है देन वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू क्रिएट हाइपोथेसिस। तो आइए जानते हैं क्या होती है हाइपोथेसिस और कितने प्रकार की होती है हाइपोथेसिस, जिसे कि हिंदी में हम परिकल्पना के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, आई थिंक हमने अपनी पिछली वीडियो में ये चीज़ क्लियर कर लिया था कि जब तक हमारे पास एक रिसर्च क्वेश्चन या समस्या नहीं होगी तो हम फाइंड आउट या सॉल्यूशन क्या निकालेंगे। अब बात आ रही है कि हमारे पास रिसर्च क्वेश्चन है, समस्या है, लेकिन उसका सॉल्यूशन निकालने का रास्ता क्या है। तो एक हाइपोथेसिस जो होती है वो एक तरीके से डायरेक्शन देती है हमें, एक टेस्टेबल प्रोपोर्शन होता है जो कि दिशा हमें निश्चित करती है, निर्धारित करती है। तो एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होती है, सॉल्यूशन होता है यानी किसी चीज पे पहुंचने तक का कहीं ना कहीं एक जरिया जो होता है वो परिकल्पना होती है। तो इसके कुछ मीनिंग को इसको क्लियर हम यहाँ पे कर सकते हैं, डेफिनेशन भी दी गई है मैक्यूगन के अनुसार। यहाँ पे सबसे पहली जो चीज है हाइपोथेसिस के लिए वो ये है कि इट इज अ टेंटेटिव सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है, एक रिजल्ट है, लेकिन वो क्या है, टेंटेटिव है, उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। और ये टेस्टेबल प्रोपोजिशन होता है यानी कि वह हाइपोथेसिस या परिकल्पना वो चीज होती है जिसे कि हम परीक्षित कर सकते हैं या जिसका परीक्षण किया जा सकता है और उसके आधार पर रिजल्ट निकाला जा सकता है। इट इज टोटली एजम्पशन, हाइपोथेसिस एक प्रकार का एजम्पशन भी आप इसे कह सकते हो। तो मैक्यूगन क्या कहते हैं इसके बारे में, अ टेस्टेबल स्टेटमेंट, इट इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट ऑफ अ पोटेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड मोर वेरिएबल इज द कॉल्ड हाइपोथेसिस। अब बात आती है वेरिएबल्स क्या होती है। तो स्टूडेंट, वेरिएबल होते हैं चर, चर यानी कि कोई दो ऐसी चीज जो एक दूसरे से संबंधित है, दोनों में रिलेशनशिप है। और रिलेशनशिप कैसा है, पोटेंशियल रिलेशनशिप, और वो रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए जिसको कि हम परीक्षित कर सके यानी कि उसका परीक्षण यानी कि टेस्ट किया जाना संभव है। कि अगर हम पुरस्कार का संबंध यानी कि अगर हम बच्चों को गिफ्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी लर्निंग पे उसका पॉजिटिव असर देखने को मिलता है। तो हियर आर टू थिंग्स, टू वेरिएबल्स, लर्निंग जो है वो पॉजिटिव साइड जा रही है, किससे, गिफ्ट से। तो गिफ्ट्स एंड लर्निंग की पॉजिटिविटी, दीज आर टू वेरिएबल्स जिसका हम रिलेशनशिप देखते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है कि गिफ्ट का असर यानी कि जब हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं यानी कि गिफ्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो लर्निंग है वो पॉजिटिव वे में जाती है, तो इस स्टेटमेंट को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अब बात आती है जो हाइपोथेसिस है उसको हम फैक्ट रूप में अगर जाने तो इसके तीन चीजें निकल के हमारे सामने आती हैं। पहली क्या है, टू एंड मोर वेरिएबल। हमेशा जो हाइपोथेसिस होगी वो कम से कम दो और दो से अधिक वेरिएबल के बीच इर्द गिर्द ये स्टेटमेंट होता है। एंड टेस्टेबल स्टेटमेंट, और ऐसा स्टेटमेंट जो कि हम परीक्षित कर सकते हैं, जिसका हम परीक्षण किया जाना संभव होता है। जनरल एंड स्पेसिफिक रिलेशन, ऐसा करने से ऐसा होगा, एक जनरल और स्पेसिफिक रिलेशन देखने को हमें हाइपोथेसिस में मिलता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पना का अर्थ यहां से हमें समझ में आता है। स्टूडेंट, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना है क्या। तो जब भी हम कोई हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, किसी भी रिसर्च का बेस जो होता है वो हाइपोथेसिस होता है, यानी कि एक रिसर्चर को हाइपोथेसिस डेवलप करनी ही पड़ती है। तो उसकी कुछ खूबियां होती हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी है व्हेन वी आर गोइंग टू फॉर्मुलेट एनी हाइपोथेसिस। पहली चीज जो होनी चाहिए, जैसा कि हमने पहले भी बात करी है अभी, इट शुड बी टेस्टेबल, इसका परीक्षण किया जाना संभव हो। जनरल हार्मनी विद अदर हाइपोथेसिस ऑफ द फील्ड, और एक जो रिसर्च होती है उसमें सिर्फ एक ही हाइपोथेसिस नहीं होती है, एक से अधिक, तीन चार, दो तीन ऐसे हाइपोथेसिस हमें देखने को मिलती है। तो कोई भी हाइपोथेसिस जब बनाते हैं तो उसका एक दूसरी हाइपोथेसिस से हार्मनी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं मिलाव होना चाहिए, एकदम अलग फील्ड की नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी परमिसोमिनियस, यानी कि ये मितव्ययी होनी चाहिए, अधिक खर्चीली नहीं होनी चाहिए। लॉजिकल यूनिट एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस, इसको तार्किक रूप से सक्षम होना चाहिए, यानी कि लॉजिकल फिटनेस होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि समग्रता इसमें होनी चाहिए। रिलेटेड विद द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ थ्योरी एंड फैक्ट, और कहीं ना कहीं जो फैक्ट या जर्नल इशू चले आ रहे हैं या जर्नल फैक्ट जो हमारे सोसाइटी के हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए,
यानी कि पुरस्कार का बच्चों के लर्निंग पे पॉजिटिव असर होता है, ये फैक्ट है। अगर हम किसी बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं तो उसकी लर्निंग बेहतर होगी। तो ये थ्योरी है और इससे रिलेटेड हमारी हाइपोथेसिस थी, तो ये इस पॉइंट से रिलेटेड है, ये रिलेटेड विद द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ थ्योरी एंड फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्चुअली क्लियर, तार्किक रूप से भी और इसको देखा जाए तो ये क्लियर होनी चाहिए। जो भी हम स्टेटमेंट दे रहे हैं वो एकदम डिफरेंट नहीं होना चाहिए कि उसको सुन के अजीब लगे हमें, तो वो कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। स्टूडेंट, आई होप अब हमें यहाँ क्लियर हो गया है कि हाइपोथेसिस परिकल्पना है क्या और क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कितने प्रकार की हाइपोथेसिस जो होती हैं वो रिसर्च के दौरान रन करती हैं, यानी कि जब हम रिसर्च करते हैं तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस आर देयर, उनमें से किस टाइप की हाइपोथेसिस को हम चूज कर सकते हैं अपने रिसर्च को बेहतर बनाने के लिए। तो इसका जो आप कह सकते हो क्लासिफिकेशन है उसको हम तीन भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि चरों की संख्या के आधार पे जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। एक सिंपल हाइपोथेसिस जिसमें कि नॉर्मली दो ही चर होते हैं, इसका असर इस पे हम देखते हैं। दूसरी जो है वो है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, यानी कि उसमें दो तो चर होंगे ही होंगे, उसके अलावा भी दो से अधिक चर होने की संभावना होती है, यानी दो से अधिक वेरिएबल जब होंगे तो उसे हम कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कहते हैं। ये दोनों जो पार्ट है ये है नंबर ऑफ द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स, चरों की संख्या के आधार पे। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो कहता है स्पेसिफिक रिलेशंस ऑफ वेरिएबल। अब देखो, अब हम यहां देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है यानी कि जो चर है उनमें कुछ स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट संबंध होगा उसके आधार पे। तो इसमें जो पहली हाइपोथेसिस बनती है वो बनती है यूनिवर्सल हाइपोथेसिस, ऐसी हाइपोथेसिस जो इंडिया में भी अवेलेबल है, इंडिया के बाहर भी अवेलेबल है, इवन वर्ल्ड में यूनिवर्स में कहीं पर भी अवेलेबल है, या उसकी जो थ्योरी है वो चेंज नहीं होती है, तो वो है आपकी यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। और दूसरी है एक्सटेंशियल हाइपोथेसिस, विशिष्ट चीजों के लिए, यानी कि जब कोई एक विशेष चीजों से संबंधित हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसमें हम दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप दिखाते हैं विशिष्टता के तौर पर जो कि हर जगह कॉमन नहीं हो सकता है, वो है आपकी एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस। इसके बाद आता है थर्ड क्लासिफिकेशन जो कहता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस के आधार पे हमारी पांच प्रकार की हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पनाएं बनती हैं। पहली है कैजुअल करणत्व, यानी कि इसका असर इस पे देखने को मिलता है। इसका आप ज्यादा खेलोगे तो ऑब्वियसली आप थक जाओगे, बच्चों के ज्यादा एक्सट्रीम मेहनत करने पे कहीं ना कहीं उसका हमें नेगेटिव असर देखने को मिलता है। तो कारण और उसका प्रभाव इसमें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। डिस्क्रिप्टिव जो कि वर्णनात्मक हाइपोथेसिस या परिकल्पना हम इसे कहते हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस नॉर्मली जो जिस लेवल में हम लोग जब पीएचडी करने जाते हैं यानी कि जब हम डॉक्टरेट डिग्री लेते हैं तो नॉर्मली हम दो प्रकार की हाइपोथेसिस का अपने रिसर्च में यूज करते हैं, एक तो नल हाइपोथेसिस एंड रिसर्च हाइपोथेसिस। नॉर्मली क्या होता है, एक रिसर्चर, सपोज आई एम अ रिसर्चर, तो मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं अपने रिसर्च के रिजल्ट के आधार पर जो अपनी रिसर्च हाइपोथेसिस जो मैंने बनाई है सिनॉप्सिस में उसको अप्रूवल दूँ, यानी कि उसको पॉजिटिव वे में ले जाऊँ, और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करूँ, उसको सेलेक्ट करूँ और इसको रिजेक्ट करूँ। तो ये एक रिसर्चर की ख्वाहिश होती है, रिसर्च हाइपोथेसिस हुई, और दूसरी तरफ नल हाइपोथेसिस जिसे कहते हैं संबंध नहीं की हाइपोथेसिस यानी और परिकल्पना। जैसे इसका जो आप स्टेटमेंट कह सकते हो कि पुरस्कार और दंड का प्रभाव बच्चों की अचीवमेंट पर नहीं पड़ता है, तो नहीं पड़ता नल हाइपोथेसिस का एक स्टेटमेंट है। लास्ट वन है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ये बहुत ही न्यूमेरिकल होती है, फैक्ट के आधार पे होती है और स्टैटिस्टिक्स को कहीं ना कहीं शो करती है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस ऑन द बिहाफ ऑफ थ्री मेजर क्लासिफिकेशन। तो आई होप स्टूडेंट हमने आज की वीडियो में ये जान लिया होगा कि हाइपोथेसिस क्या है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और साथ ही साथ कितने प्रकार के हाइपोथेसिस नॉर्मली रिसर्च में हमें देखने को मिलती हैं। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।